नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। आज जानते हैं कैसे एसएमईज कोविड इकोनॉमी के बाद अपने फाइनेंस को और भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। छोटे बिजनेस आज खुद को एक मुश्किल सिचुएशन में पाते हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था अब खराब स्थिति में है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप से पहले भी ऐसा था और छोटे व्यवसाय लंबे समय से मंदी के दौर से गुजर रहे थे। आइए देखें कि फाइनेंस के प्रति एक बदलाव कैसे चीजों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नंबर एक, पनिशिंग इंटरेस्ट बर्डन को कम करना। भारतीय रिजर्व बैंक की इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखने के लिए आलोचना की जा चुकी है, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए मुश्किल है कि वे कॉन्ग्लोमेरेट्स या फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर सकें, जो USD जैसी करेंसियों में सस्ते क्रेडिट का आनंद लेते हैं। जबकि RBI ने नाटकीय रूप से पिछले 2 सालों में ब्याज दरों में कमी की है। बैंकों ने हाई NP और इस तरह के रूप में अपनी सीमाओं से विवश होकर अपने ग्राहकों के लिए इस कमी को पास किया है। बैंकों को अपनी ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने के लिए RBI का हालिया निर्देश सही दिशा में एक कदम है। नंबर दो, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के बीच अंतर करना। जबकि बैंक अपने उधारकर्ताओं के समय की अवधि में विलायक होने की उम्मीद करते हैं, कैश फ्लो मिसमैच कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने काफी समय से अनदेखा किया है। चलो एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। कहें तो तिरुपुर के एक छोटे स्तर के निर्माता सरकारी अस्पतालों में PPE की सप्लाई करते हैं, जबकि वे अनुकूल मांग का आनंद ले रहे हैं। अस्पताल पेमेंट में देरी करके चीजों को मुश्किल बना रहे हैं, जिससे उसकी बिक्री करने में समय लगता है। इस मामले में छोटे व्यवसाय के मालिक को अपनी नकदी की कमी को पूरा करने के लिए टेम्परेरी फंडिंग की आवश्यकता होती है, यानी संपत्ति खरीदने के लिए धन के बजाय कैश फ्लो फाइनेंसिंग। SBI ने हाल ही में एसेट बेस्ड लेकर कैश फ्लो आधारित फाइनेंसिंग तक के छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल को बदलने की घोषणा की है। ये एक गेम चेंजर होगा, जो उन व्यवसायों के लिए आसान फंडिंग होगी जो बड़े कॉर्पोरेशंस के साथ ट्रेडिशनल वर्किंग कैपिटल मॉडल को फिट नहीं करते हैं, जिनका उपयोग बैंकों को फंडिंग के लिए किया जाता है। नंबर 3, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए डिजिटल होना। इस लॉकडाउन अवधि ने हमारे पड़ोस की किराना की दुकानों को सार्वजनिक मांग को पूरा करने के लिए जल्दी से नया करते हुए देखा, जैसे फोन पर ऑर्डर लेकर हाइपर लोकल डोर डिलीवरी की व्यवस्था। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी मुंबई में जियो मार्ट के टेस्ट लॉन्च के साथ ही ऐसा कर रही है कि व्हाट्सएप पर किराने का सामान का ऑर्डर किया जा रहा है। व्यवसाय आकार में छोटे हो सकते हैं, लेकिन पहुंच में बड़े, ताकि वे मुट्ठी भर ग्राहकों की दया पर ना हो। इस संबंध में डिजिटल वास्तव में सशक्त हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले ग्रामीण बिहार के वीवर्स लॉकडाउन के कारण अपनी गारमेंट इन्वेंट्री के साथ ट्विटर प्रमोशन के माध्यम से साड़ी बेचने में सक्षम रहे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि आप हर अपडेट को जान सके। तो नंबर 4 है ग्रीन शूट और ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। इन समयों में चीन के खिलाफ भावनात्मक प्रतिक्रिया संभावित रूप से एक आर्थिक गतिरोध के रूप में विकसित हो रही है। दुनिया भर के देश अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाना चाहते हैं और चीन पर अपनी निर्भरता को बेअसर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में विदेशी कंपनियों के साथ चर्चा पूरी तरह से होती है, जिससे उन्हें भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रयास को व्यापक बनाने के लिए सेंटर लेवल पॉलिसी बदलावों की आवश्यकता है, लेकिन ये छोटे उद्यमियों के लिए बाजार के अपने हिस्से को हथियाने के लिए रास्ते खोलता है, जो फिलहाल चीन के प्रभुत्व में है। ऐसे मामलों में छोटे व्यवसाय सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का विकल्प चुन सकते हैं, जो उन्हें MNC कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए कंफर्ट फैक्टर के आधार पर बैंकों से सस्ता ऋण लेने में मदद करता है, जो उनसे माल या सेवाओं का लाभ उठाते हैं। न केवल भारतीय MNC को बैंकिंग सिस्टम से अश्योर्ड फंडिंग मिलती है, बल्कि इसके छोटे सप्लायर्स भी सस्ते धन को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त करते हैं, ताकि पूरी सप्लाई चेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो। नंबर 5, उधार पर नजर रखना।
उद्यमशील उपक्रमों को अपने डेब्ट बर्डन को प्रबंधनीय लेवल पर रखना होगा। कोविड 19 महामारी जैसी एक और महामारी ऋण ग्रस्त व्यवसायों को मिटा देगी। छोटे व्यवसायों को ऋण ग्रस्तता को कम करके अस्थायी रूप से वृद्धि पर समझौता करते हैं। उनकी लंबी अवधि में विकास की अच्छी गति को बनाए रखने की संभावना है, जबकि बैंकों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि लोन फंड को अधिकतम उपयोग में लाया जाता है। उधारकर्ता को ये भी महसूस करने की आवश्यकता है कि वर्किंग कैपिटल बोरोइंग का उपयोग करके लंबी अवधि की संपत्तियों की फंडिंग करने के लिए बिना मुंह वाली रणनीति का सहारा लेना केवल उनकी कम्पिटेटिव लकीर को स्थायी रूप से तोड़कर मार्केट में उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला है। दोस्तों, इस खबर पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।